नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बार बार आगाह करने के बावजूद जैसी आशंका थी वैसा ही होता दिख रहा है। हरिद्वार महाकुंभ कोरोना स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। महाकुंभ में शाही स्नान शुरू होने के पहले और शाही स्नान के बाद सामने आए कोरोना संक्रमितों के आंकड़े सरकार और सिस्टम ही नहीं सबके लिए चिंता पैदा करने वाले हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक अखाड़ों से जुड़े करीब 2 दर्जन संत और 500 से ज्यादा श्रद्धालु जांच में संक्रमित पाए गए हैं। ये आंकड़े महज कुछ हजार लोगों की जांच के बाद के हैं, जबकि महाकुंभ में शाही स्नान पर 31 लाख से ज्यादा लोगों के स्नान करने का दावा किया गया है। बुधवार को भी लगभग 14 लाख लोगों ने कुंभ स्नान किया। जरा सोचिए कि महाकुंभ में कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में कितने लोग संक्रमित होंगे और कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। क्या महाकुंभ होगा कोरोना स्प्रेडर? कुंभ मेले में भीड़ पर उठ रहे सवाल। 2 दर्जन साधु संत और 500 से ज्यादा श्रद्धालु संक्रमित पाए गए। कोरोना निर्देशों का किया जा रहा है उल्लंघन। ये सही है कि हर धार्मिक आयोजन का अपना महत्व होता है। महाकुंभ के प्रति तो भारतीय जनमानस में अत्यधिक आस्था है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी या बीमारी धर्म नहीं देखती। महामारी के इस दौर में मंदिर मस्जिद से लेकर स्कूल कॉलेज धार्मिक सामाजिक आयोजन तक सब कुछ बंद है। नदियों तालाबों में नहाने तक पर रोक लगी है। शादी ब्याह मौत मैयत में 10 से 20 लोगों से ज्यादा शामिल होने पर पाबंदी है। ऐसे दौर में हरिद्वार में महाकुंभ जहां पर शाही स्नान पर लाखों की भीड़ जुटनी है, वहां आयोजन से पहले महामारी की भव्यता पर विचार जरूर करना था, लेकिन इसके उलट महाकुंभ में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। कुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस थी जो अब कहीं नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ में विस्फोट होता जा रहा है। निर्देशों के बाद भी श्रद्धालुओं और साधु संतों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसका असर अब वहां कोरोना विस्फोट के रूप में दिख रहा है। यहाँ 102 तीर्थ यात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये है कि अब मेले में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार को आगाह किया था कि हरिद्वार कुंभ कोरोना स्प्रेडर साबित हो सकता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को विश्वास था कि वो पूरे महाकुंभ को सफलता के साथ संपन्न कराने में कामयाब होंगे। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के दायरे में महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को कोरोना स्नान कराने का दावा भी किया था। उन्होंने महाकुंभ की तुलना 2020 में दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज की घटना से करने वालों की आलोचना भी की और कहा कि मरकज हॉल के अंदर था जबकि कुंभ खुले में हो रहा है। हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक फैला है। गंगा मैया किसी को कोरोना नहीं होने देंगी। कुंभ मेले से पहले सरकार ने कहा था कि मेले में उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव होगी और मेले में शिरकत करने वालों को कोरोना की वजह से लागू किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मेले में आए कई जाने माने साधु संतों समेत कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सोमवार को हुए गंगा स्नान के बाद चिंता जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण श्रद्धालुओं के बीच तेजी से फैल सकता है और ये भी संभव है कि ये वायरस यहाँ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के साथ उनके गांवों और शहरों तक पहुंच सकता है। महाकुंभ में इन हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों ने इसके लिए चिंता जताई है। उनका कहना है कि मेले में अगर कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर वक्त रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं।
महाकुंभ में पहले ही शाही स्नान पर सरकार के दावे से उलट तस्वीर दिखी। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ते पूरे देश ने देखी। इस स्नान के दौरान व्यवसाय देख रहे आईजी ने हाथ खड़े कर दिए कि यहां किसी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेस्ट ट्रेसिंग ट्रीटमेंट की सीख को पूरी तरह से भुला दिया गया। श्रद्धालु खुद सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाह दिखे। श्रद्धालु को संभालने को पुलिस की गुहार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉलंटियर भी लगे, लेकिन जैसे ही शाही स्नान का वक्त आया, सारा सिस्टम, व्यवसाय, इंतजाम सब कुछ ध्वस्त हो गए। सरकार को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क तक के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालु के लिए सरकार 16-17 घाट बना सकती है। हर की पैड़ी घाट पर साधु संतों के सुरक्षित स्नान के लिए स्नाइपर तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन संक्रमितों की भीड़ को आप स्नान के लिए पानी में उतरने से कैसे रोकेंगे? कुंभ में हर अखाड़े का डेरा है। इन अखाड़ों में और गंगा में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु रोज हरिद्वार पहुँच रहे हैं। ये श्रद्धालु मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उन राज्यों से हैं जहां कोरोना संक्रमण तेज है। क्या इन राज्यों के लोग महाकुंभ में कोरोना स्प्रेडर साबित नहीं होंगे? महाकुंभ से संक्रमितों की टोलियां जब अपने अपने प्रदेश, शहर, घर लौटेंगी तो क्या इनसे कोरोना फैलने का खतरा नहीं होगा? सिस्टम से कोरोना के बचाव के इंतजाम की उपेक्षा ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।